गुड मॉर्निंग छात्रों, आज केमिस्ट्री के जनरल से जो है तीसरी ये वीडियो है। विंटर वेकेशन के बाद जो है आज से फिर क्लास जो है रेगुलर चलेंगे। और पिछले जनरल में मैं जो है चैप्टर में आपको विटामिन से बताया था कि विटामिन से प्रतिवर्ष या एक वर्ष के अंतराल में क्वेश्चन जरूर आता है। बड़े क्वेश्चन में 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हर साल में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। विटामिन से बहुविकल्पी करके या छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो विटामिन को आप जो है एकदम परफेक्ट रूप से तैयार रखें। मैं पिछले वीडियो में विटामिन क्या होती है उसके बारे में बताया था कि विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। इनकी कमी से अल्पता रोग होते हैं और विटामिन की घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 बड़े समूहों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो मैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वसा में जो घुलने वाले विटामिन होती है उसमें ए बी ई के है, जिसे हम जो उल्टा पढ़े तो पीडा हो जाएगा के इसे के बी ए से डा के डा। याद रहे जैसे इसको याद करने के लिए मैं एक चीज बताया था, जैसे के की किसी का नाम हो गया तो आठ में अब भोजपुरी भाषा में पूछा जाए कि ई के ई के, इस तरह से याद करेंगे तो के जो भाषा में दूसरे निकालने में हमें आसानी से याद कर सकते हैं। आईसी विटामिन जो वसा में घुलनशील है उसके नाम को रासायनिक नाम सूत्र को स्रोत कार्य और उससे कमी से होने वाले रोग के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम जो है जल में घुलनशील या वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है 2 ही विटामिन केवल आती है जो पानी में घुलती है, जैसे विटामिन बी संकर और विटामिन सी। विटामिन बी संकर इसलिए कहते हैं कि विटामिन बी जो है कई विटामिनों का समूह है। इसमें जैसे B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B12 तक जाता है। ये जो है विटामिन बी को कहा जाए कि हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करती है, फिर उसके बाद शारीरिक वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है। तो सामूहिक रूप से जो है विटामिन जो है हमारे शरीर के स्वस्थ रखने में, त्वचा को स्वस्थ रखने में, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। इसमें इसकी कमी से जो है अलग अलग विटामिनों के अलग अलग लक्षण होते हैं। इसमें से जो है फर्स्ट विटामिन है जिसका नाम है विटामिन B1, इसे इसका रासायनिक नाम क्या है थायमिन, थायमिन। जैसे इसमें एक एमिन ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसका नाम रखा गया है थायमिन। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H18N4SOCl2। इसके स्रोत है जैसे क्या चीज हम खाएं कि जो विटामिन बी हमें मिले, जैसे जो है अनाज, अनाज के अंदर में जो है गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब अनाज के अंतर्गत आते हैं। इसमें इनके जो अनाजों की जो भूसी होती है, जैसे गेहूं के जो ऊपर जो ऊपर से जो बोकला होता है या पतली सी पॉलिश होती है, चढ़ी हुई परत होती है, उसमें विटामिन बी होता है। फिर इसके बाद दालें, विभिन्न प्रकार की दालें, उसमें हरी सब्जियां हैं, दूध है, ईस्ट है। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ईस्ट। ईस्ट एक प्रकार का जो है एक कोष की जो है जीव है। ईस्ट को जो है हम जो है कवक की श्रेणी में रखते हैं, या एक कवक है फंजाई एक कोष की होता है। जैसे आप ईस्ट को जो है किसी पेय पदार्थ को रख दें, जैसे गन्ने का रस है उसको ज्यादा देर तक किया जाए तो खट्टा हो जाता है, जैसे माठा ये घर पे रख दिया जाए तो और वो काठा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, क्योंकि ये जो है ईस्ट जो है उसमें किण्वन की क्रिया करते हैं, उसमें ग्लूकोज को जो है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देते हैं। तो ईस्ट जो है विटामिन बी के महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे इसके कार्यों को देखा जाए स्वांगीकरण, जैसे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया, और पचने के बाद जो पचे हुए पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद जो है
दूसरे अंगों की मरम्मत होती है। यदि विटामिन बी1 है तो आपके बॉडी में सभी पोषक तत्वों का सही से अवशोषण होगा और जो है शरीर के अंदर जो पोषक तत्व की टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करेगा। फिर इसके बाद जो है गर्भधारण और दुग्ध श्रावण में भी सहायक है। जैसे विटामिन बी रहे बॉडी में रहेगा तो गर्भ जो प्रेगनेंसी की कंडीशन आ जाएगी और दूध का भी श्रावण होगा। ऐसी कमी से जो है बेरी बेरी रोग और भूख में कमी बेरी बेरी त्वचा से संबंधित रोग है, भूख में कमी होती है। फिर इसके बाद जो है इसका दूसरी विटामिन है विटामिन बी टू। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C17H20N4O6। ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूला को याद कर लेंगे आप C17H20N4O6। इसके स्रोत को देखा जाए कि इसमें विटामिन बी टू पाया जाएगा दूध, पनीर, केला, चेरी, लीवर। चेरी एक फल होता है, लीवर जैसे आप सामान्य रूप से जानते हैं मछली का लीवर हो गया और जो जंतुओं के लीवर हो गए उसमें जो है विटामिन बी टू पाया जाता है। और लीवर इंग्लिश शब्द है, इसे हिंदी में जिगर कहते हैं। फिर उसके बाद जो है विटामिन बी टू जो हरी सब्जियों में भी पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है। इसका जो कार्य है उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना। जैसे मेटाबॉलिज्म मतलब दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, उपचय और अपचय। उपचय का मतलब जैसे कोई क्रिया जो है निर्माणकारी क्रिया कर सकते हैं, अपचय का मतलब विनाशी क्रिया। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है ये उपचय क्रिया है और श्वसन क्या है अपचय क्रिया है। इसमें उस पदार्थ का विघटन होता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो विटामिन बी टू की सहायता से उपापचय की क्रियाएं नियंत्रित होती है, बॉडी का रेगुलेशन होता है, फिर त्वचा को यह स्वस्थ रखता है। फिर इसके बाद जो है इसकी कमी से जो रोग होता है किरोसिस। किरोसिस का मतलब जैसे ओट का फटना, जीभ का फटना, जीभ में सूजन होना या जो है शारीरिक विकास में बाधा। किरोसिस मतलब त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं। जैसे त्वचा में देखेंगे चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं, किसी व्यक्ति सूखी त्वचा हो जाती है, ओट फटने लगते हैं, त्वचा फटने लगती है, ये बीमारी कौन सी है किरोसिस। इसमें जीभ में सूजन आ जाती है, जीभ सूज जाती है। फिर उसके बाद जो है इसमें बी3 विटामिन होती है जिसको मैं आपको नहीं लिखा हूं। बी3 का रासायनिक नाम जो है पेंटोफेनिकम। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H17O5N4। इस विटामिन के भी स्रोत हैं, ये दूध है, पनीर है, अंडा है, जिगर है, बी3 भी उसमें पाई जाती है। ये जो है ऑक्सीकरण और उपापचय क्रियाओं को में सहायक होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया इसमें जो किसी कार्बनिक पदार्थ का विघटन होता है उसको करवाती है। इससे भी त्वचा संबंधित रोग होते हैं विटामिन डी से बी3 से त्वचा विकार होते हैं, त्वचा के चकत्ते पड़ते हैं, त्वचा जो है रोगी जैसी होती है। फिर उसके बाद जो है लाइसिस में जो है बी12 विटामिन, इसका रासायनिक नाम ये जो कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इस विटामिन को आप जब कंप्लीट रूप से याद कर लें, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल एमीन। इसमें किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विटामिन बी12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें आप बताएंगे कोबाल्ट। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C63H88O14N14PCO C63H88O14N14PCO। फिर उसके बाद इसके स्रोत के बारे में देखा जाए तो दूध, अंडा, जिगर, गुर्दा, इसमें विटामिन बी12 पाया जाता है। जिगर में बता दिया कि लीवर को कहते हैं, गुर्दा जो है किडनी को कहते हैं। जैसे जो भी जंतु मांसाहारी जो व्यक्ति है इन वस्तुओं को खाएगा तो उसको विटामिन बी12 मिलेगा। फिर उसके बाद इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गुणसूत्रों के दुर्गुण में सहायक। जैसे गुणसूत्र जो है किसी व्यक्ति में निश्चित होते हैं लेकिन जन्म की क्रिया के दौरान
जन्म कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है। तो गुणसूत्रों को डबल कराने में अर्थात एक गुणसूत्र से दो गुणसूत्र बनने में विटामिन बी12 का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। फिर उसके बाद जो आरबीसी का निर्माण भी करता है मने लाल रुधिर कणिकाएं विटामिन बी12 की सहायता से बनती है। फिर उसके बाद इसकी कमी से परनेशियस एनीमिया आप जानते हैं रक्त की कमी, तो इससे विटामिन बी12 की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, इसे परनेशियस एनीमिया कहते हैं। इसमें जीव वो मुख में छाने पड़ जाते हैं, ये जो है बी12 के लक्षण हो गए। और जल में घुलनशील लास्ट विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H8O6। फिर उसके बाद इसके स्रोत के बारे में देखा जाए तो प्रकृति में इसका सबसे अच्छा स्रोत है जो खट्टे फल है, रूटेसी कुल के फलों को देखा जाए जैसे खट्टे फल में आम है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, मरचा है, मिर्च है, टमाटर है, इन सब में जो विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन प्रचुरता के हिसाब से देखा जाए तो आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। फिर उसके बाद ये शरीर के ऊपर क्या कार्य करता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, घावों को सही करता है, चोट को भरने में घाव और चोट को सही करने का काम करता है। जल्दी से जैसे किसी व्यक्ति की बॉडी में विटामिन सी की कमी है उसकी चोट जल्दी सही नहीं होती, अर्थात ये घाव को सही करने में सहायक है। इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग जो है जैसे इस व्यक्ति को देखेंगे कि दांत या मसूड़े से खून या बदबू आने लगता है तो ये विटामिन सी के लक्षण है, स्कर्वी रोग के लक्षण है। आज की वीडियो लास्ट यही तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले टॉपिक अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।